तो जनाब भाई सरप्राइज़ की इतना बढ़िया अमृतसरी कुलचा ये हस्बैंड और वाइफ 70 साल की उम्र में अमृतसर के लोगों को खिला रहे हैं, लेकिन बहुत कम इनके पास लोग आ रहे हैं। वीर जी जो असं घरों चलते हैं ना, वाहेगुरु का शुक्र करते हैं, वाहेगुरु सच्चे पातशाह जिन्ना सौदा असं लैके चले हाँ सादा शाम तक लग जाना चाहिए है। आ वेखो किन्ने वधिया छोले बनाए हुए आ, मसाले पूरे पाए हुए आ, फिर भी गाहक नहीं आ रहे। सानू 30 साल हो चले वीर जी इतने रेहड़ी लाउंदिया नू, ते घर तुहानू पता गुजारा कित तरह, इहो रेहड़ी रेहड़ी साडे कोल हैगी आ, इस रेहड़ी तो ही गुजारा करते हैं, दो बेटियां ही व्याहुण वालियां आ। जनाब आज मैं आपको गुरु की नगरी अमृतसर के सरदार संता सिंह जी से और उनकी वाइफ से मिलाने जा रहा हूँ। ये वो अमृतसर का स्वीट कपल है जो 70 साल की उम्र में भी आज भी 14 से 15 घंटे की कड़ी मेहनत कर रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ दो वक्त की रोजी रोटी कमाने के लिए। ये वो परिवार है जिसका कुलचा एक जमाने में अमृतसर में बहुत मशहूर हुआ करता था, लेकिन समय बदला, जमाना बदला और आज ये दोनों को दोनों हस्बैंड और वाइफ ग्राहक के आने का इंतजार करते हैं और बड़ी मुश्किल से इनके पास बहुत कम ग्राहक आते हैं। आज इनके ऊपर बहुत सी जिम्मेवारियां हैं, बेटी की जिम्मेवारियां हैं, रोजी रोटी का जुगाड़ करने की जिम्मेवारियां हैं और इन्हें इंतजार है सिर्फ और सिर्फ ग्राहक का। तो आइए मिलाते हैं आपको गुरु की नगरी अमृतसर के इन सुपर हीरो से। चलिए, सत श्री अकाल अंकल जी, सत श्री अकाल आंटी जी। और आंटी जी बड़ी तारीफा सुनिया और पता लग गया कि बहुत घट लोग ही आते थोड़े को। वीर जी होटलों से जान लग पे लोग, इस करके थोड़ा जहा घट आ, बुढ़ा बुढ़ी वेख के लंघ जाते चुप करके, लोग नहीं आते, नहीं आट आते केंद्र, कोई आ जाता कोई नहीं आता। और किन्ने साल हो गए आंटी कुलचे बनाते हुए? 30 साल हो चले हैं। 30 साल? हाँ जी। और मैं देख रहा तुम भी खूब मेहनत नाल करते हो। मेहनत तो फिर वीर जी करनी पैंदी है घर विच, आप ही सियाने जे। बर्तन साफ करते हो, छोले बनाते हो, पैकिंग करते हो? हाँ जी। और कोई बंदा भी नहीं रखे हुआ आंटी? नहीं वीर जी, बंदा नहीं रखे, बंदा फिर तादी रखे जे ओनी मेहनत विक्री होवे तो फिर ही है ना, विक्री घट आ तो मेहनत आप कर ली दी, जेडे ओनू पैसे देने आ वो अपने कोल चार पैसे बचणगे। और जनाब जब मैं यहाँ पर आया हूँ और मैंने देखा है जिस जो मेहनत ये कर रहे हैं, जिस तरीके के साथ कुलचा बनाते हैं, लेकिन आई सरप्राइज कि इनके पास फिर भी कोई बंदा नहीं आ रहा है। हाँ जी। और आप बता रहे थे कि जमाना था जब बहुत लोग दूर दूर से आते थे। हाँ जी, बड़ी दूर से घंटा घंटा खलो के जाते ही। हाँ, हूँ फिर तुम पता दुनिया का अब कोई नहीं आता है। हाँ। तो अंकल जी खिलाएं, हमें भी कुलचा खिलाएं बनाकर, कैसे बनता है जी? तो जनाब जो सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर लाइव जो कुलचे हैं वो बनाए जाते हैं, मसाला तैयार किया जाता है और जो आंटी जी हैं अभी अभी पहले आलू जो है बॉईल किए गए हैं और हमारे लिए कुलचा है उसकी तैयारी कर रहे हैं। की की पांदे हो? गोभी पाई दी है जी, धनिया पाई दा, गरम मसाला पाई दा, प्याज पाई दा, मिर्च हरी पाई दी है, काली मिर्च पाई दी है जी, अनारदाना पाई दा। और अंकल किन्ने कुलचे हम तक खवा देते हैं हथा नाल? थाना पता नहीं किन्ने कुलचे मैं लाते जिंदगी। अच्छा जी। हाँ जी, अंति कोई पता नहीं, रात दिन ही अभी कुलचे लाते रहने, बाहर भी जाने हैं जी, उतें भी साढ़े लाइन ला के कुलचे खाते। और जनाब ये चेक करें, खड़े मसाले हैं एकदम से। हाँ। और ये आ गई जी गोभी, गोभी धनिया आ गया जी, ये आ गया धनिया, आ काली मिर्च आ गई जी, ये आ गई जी काली मिर्च, आ अनारदाना आ गया जी, अनारदाना, आ प्याज आ गया जी, ये आ गया जी प्याज, आ गरम मसाला कुटिया, ये आ गया जी गरम मसाला कुटिया, और बनने जा रहा है जी हमारा, आ मिर्चा आ गई, संता सिंह जी का स्पेशल अमृतसरी कुलचा बनाए अंकल। और ये आ गया जी पेड़ा, और पेड़ा एकदम से बड़े वाला है जी। हाँ। कितनी कीमत है कुलचे दी? 30 रुपये, 50 रुपये, 30 रुपये से लेके 50 रुपये तक रहता है। और एकदम से बड़े बड़े जो पेड़े हैं वो किए जाते हैं, रजा देंदे हो बंदे नो? हाँ जी, बंदा है कुलचे ना रज जाता। वाह। और ये जा रहा है जी हमारा अमृतसरी तंदूरी कुलचा संता सिंह जी का, और आई सरप्राइज की 70 ईयर प्लस इनकी एज हो चुकी है और आज भी तंदूर के बीच में हाथ डालना ये बहुत बड़ी बात है। और अंकल हाथ साड़ नहीं जाते कई बार? नहीं साड़ते, रोए दिल पता नहीं किन्ने कुलचे लाई दे हाथ से, परवाह ही नहीं है। हाँ? परवाह नहीं पहलो। क्या बात है जी, तो बचपन से ही कुलचे लगा रहे हैं, एक्सपीरियंस इतना हो चुका है, तो पहलो पहलो छड़ दे, मुड़ के नहीं छड़ दे। क्या बात है, अपने हाथ दिखाओगे मैनू? हाँ। अरे वाह जनाब, ये हाथ चेक करें, इस उम्र में इतनी मेहनत करनी बहुत बड़ी बात है। और कितना टाइम लगेगा जी कुलचे नू? 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट में आ जाएगा? 5 मिनट में।
और ये आ गया जी हमारा संता सिंह जी का स्पेशल अमृतसरी कुलचा, एकदम से गोल्ड ब्राउन कलर का ये कुलचा है। और मैं देख रहा था कि अंकल बड़े प्यार के साथ ये कुलचा बनाते हैं, और कुलचा तंदूर से निकालना भी एक कला रहता है, एक टेक्निक रहता है कि कितने तापमान के उसको बनाया जाए। और 5 मिनट हो गए अंकल, और ये आ गया जी दूसरा कुलचा, वाह। और ये अब ऊपर की जा रही है जी अमृतसरी कुलचे के ऊपर मालिश, अमूल का बटर जो है वो यूज़ करते हैं, दूसरा भी रहता है। 30 रुपये से लेके 50 रुपये तक जो अमृतसरी कुलचा है अंकल के यहाँ पर मिलता है। और कुलचा खाने से पहले मैं बता सकता हूँ ये कितना ज़्यादा क्रंची है और क्रिस्पी है। और ये देखिए जी, और ये आ गए जी छोले, और छोले भी आंटी जी ने बताया कि जो अंकल हैं ये पहले दिन से खुद बनाते हैं, और आज भी जो रेसिपी है वो अंकल जी तैयार करते हैं। और आंटी जी का काम रहता है कि जितनी भी सब्जियां हैं उसकी कटाई से लेकर पैकिंग तक ये करते हैं। चटनी आ गई आंटी? हाँ जी हाँ जी। ये कौन सी चटनी है जी? मूली प्याज की। मूली और प्याज की? हाँ जी। वाह, तो टिपिकली देसी स्टाइल अमृतसरी कुलचा मैं इसको बोल सकता हूँ खाने से पहले। और छोले और दे देंगे लौट पावे? हाँ जी, जो किसी भुख लगी है मिल जाते हैं। हाँ जी मिल जाते हैं। बहुत बढ़िया आंटी, थैंक यू जी। तो जनाब इधर आए और सबसे पहले चेक करें, ये है जी टिपिकली अमृतसर स्टाइल अमृतसरी कुलचा। वो क्यों है, इसका जो टेक्सचर है वो आपको बता रहा है कि अंकल जी को, संता सिंह जी को कुलचे बनाने में कितना एक्सपीरियंस है। कुलचा खाने से पहले आपको पता लग जाता है, शुरू से लेके लास्ट तक इसका जो टेक्सचर है गोल्ड ब्राउन कलर का है, जो ये बता रहा है कि ये कितना ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी है। और साथ में आगे जी इनके छोले हैं, चने भी बोला जाता है, इसमें मूली प्याज की दोनों को मिलाकर पुदीने से चटनी तैयार की जाती है, वो छोलों में मिक्स की जाती है। और कुलचे से भी जो ज़्यादा मेरे को पसंद आते हैं वो छोले आते हैं। तो कैसे हैं, क्या बात है। अगर दिल खोल कर सही बनाने वाले की तारीफ की जाए तो उनकी जो स्माइल होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, प्राइसलेस होती है। और सच में बहुत अच्छा है जी, और दिल खोल कर मैं तारीफ करूँगा कि बहुत सही है। और ये आ गया जी अमृतसरी कुलचा, बड़ी सी बाइट। और खाने से पहले ये चेक करें आप, जो खड़े मसाले हैं, अनारदाना है, धनिया है, हरा धनिया, ये सारा कुछ इसमें डाला जाता है। और ये आगे जी बाइट, संता सिंह जी का अमृतसरी कुलचा। वाह, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहती है, थोड़ा सा ज़ोर से बोल रहा हूँ, कम शब्दों में एक चीज़ बोलूँ तो ये मत समझिएगा कि इनको प्रमोट करने के लिए बोल रहा हूँ कि कुलचा ऐसा है वैसा है, बहुत बढ़िया है। बिलीव मी दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अमृतसरी कुलचा, जो अमृतसर में आपको बड़ी बड़ी दुकानों पर भी शायद नहीं मिलेगा, और बहुत स्वाद है जी। तो जनाब भाई सरप्राइज़ की इतना बढ़िया अमृतसरी कुलचा ये हस्बैंड और वाइफ 70 साल की उम्र में अमृतसर के लोगों को खिला रहे हैं, लेकिन बहुत कम इनके पास लोग आ रहे हैं। तो आंटी मज़ा आ गया जी, बहुत अच्छा है, पर लोग बड़े घट आ रहे हैं। घट फिर तुम पता ही है, बुढ़ा बुढ़ी वेख के तो फिर घट ही हो जाते लोग, पता नहीं किस तरह का कुलचा बना। कुलचा वेखो कि वधिया कुलचा बनया है, कि सारे मसाले पाए आ, फिर भी तुम पता की हिसाब आ। आंटी जी मैं सारे नु कहांगा कि मेरे अंकल आंटी को एक और यान लोकेशन की है, किथे खड़े आपा, ये जगह नु की कहंदे आ? ए रूपनगर कहंदे आ। रूपनगर? हां जी, स्टेशन दा मोड़, हकीमा वाला गेट है पीछे, उसे थोड़ा सा आगे की तरफ आएंगे, रूपनगर इसको बोला जाता है, पीछे कॉलोनी है, उसके ठीक बाहर ये होते हैं। तो आप प्लीज इनके पास आइएगा, क्योंकि बात आज सिर्फ जायके की नहीं है, बात है ऐसे मेहनती लोगों को स्पॉट करने की। तो आज थोड़ा कंसेप्ट अलग था, जो नॉर्मल मैं वीडियो बनाता हूँ, तो कैमरे के पीछे दमन की और मेरी यही कोशिश है कि आपको ऐसे मेहनती लोगों की मेहनत दिखा सकूं। प्लीज़ इनके पास आइए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू आंटी।